हेलो दोस्तों, सोनी एक्सपेरिमेंट चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट जो होममेड एक्सपेरिमेंट है उसे करेंगे। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमें एक हल्दी, सिंपल सी थोड़ी जो घर में हम यूज़ करते हैं टर्मरिक हल्दी, सर्फ यानी जो डिटर्जेंट होता है उसकी, प्लस में हमें एक नींबू की ज़रूरत होगी, लेमन की ज़रूरत होगी। तो इन सबसे हम एक नया एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे और किस तरह से एक्सपेरिमेंट होगा। बड़ा ही सिंपल है और घर में आप सभी इसको कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारे एक्सपेरिमेंट मैं क्यों करता हूँ, क्योंकि मेरा एक और दूसरा चैनल है संदीप सोनी एजुकेशन के नाम से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस चैनल में मैं क्या करता हूँ, सभी जो मेरे स्टूडेंट्स होते हैं उनको पढ़ाता भी हूँ, और सोनी एक्सपेरिमेंट चैनल पर मैं पढ़ाई के साथ साथ एंटरटेनमेंट की और भी सारी वीडियोज़ मैं एक्सपेरिमेंट चैनल डालता रहता हूँ। तो आप दोनों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आज का हम एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। तो करते हैं स्टार्ट, ठीक। तो फ्रेंड्स, हमें एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने के लिए हल्दी चाहिए, सर्फ चाहिए और एक नींबू। तो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे फ्रेंड्स, नींबू को हम इसके अंदर मिला देंगे। किसके अंदर? हल्दी के अंदर। तो हल्दी के अंदर हम मिलाते हैं, तो एक नींबू आप निचोड़ सकते हैं अच्छे से इस हल्दी के अंदर हमने। तो फ्रेंड्स, हमने क्या करा इसके अंदर, अच्छे से नींबू जोड़ दिया। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसके अंदर सर्फ डाल लेते हैं, थोड़ा सा हम सर्फ मिला लेते हैं। जैसे ही हम क्या करेंगे, इसके अंदर सर्फ को मिलाएंगे किसी भी चीज़ के साथ, लकड़ी के साथ, स्ट्रो के साथ आप इसको मिक्स कर लेना। मिक्स करने के बाद आपको क्या मिलेगा, जो पीला रंग होता है हल्दी का वो किस में चेंज हो जाएगा। देखो फ्रेंड्स, जो पीला रंग है पूरा को पूरा हल्दी का, हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, सारा का सारा क्या बन जाएगा, रेड कलर बन जाएगा। ये देखो फ्रेंड्स, हमने क्या करा, इसको अच्छे से मिलाने के बाद इसका ये किसमें चेंज हो गया, रेड कलर। अब इस रेड कलर के अंदर हम दोबारा से क्या करेंगे फ्रेंड्स, फिर से हम एक क्या करेंगे, अंदर एक नींबू लेंगे, दोबारा से इसको मिला देंगे। अब यहाँ पे हम मैजिक देखेंगे, यहाँ पे हमने क्या करा, येलो कलर को रेड कलर में चेंज कर दिया। अब दोबारा से हम क्या करेंगे, लेमन को मिलाएंगे, ये लो हमने मिला दिया, ये लो हमने एक और लेमन इसके अंदर मिला दिया, और दोबारा से हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से शेक करेंगे। तो हमारा जो फ्रेंड्स है, फ्रेंड जो हमारा जो रेड कलर है वो दोबारा से किसके अंदर चेंज हो जाएगा, येलो कलर के अंदर चेंज हो जाएगा। सारा का सारा हमारा फ्रेंड्स क्या है, वो रेड कलर है, वो दोबारा किसके अंदर चेंज हो जाएगा। आप अच्छे से और मिला लेना, ये येलो कलर के अंदर चेंज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो इसके साथ साथ फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ जानकारियाँ भी दे देता हूँ। जो हल्दी होती है उसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो कुरकुमा लोंगा होता है। पीएच इंडिकेटर बताती है हल्दी, हमेशा याद रखना, जो हमारा पीएच इंडिकेटर होती है यानी एसिड बेस के बारे में हमें ये बताती है। साथ में जो डिटर्जेंट है हमारा, इसका जो फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला जो 10th क्लास में ज़्यादातर इसका यूज़ होता है, Na2CO3 10H2O होता है। इसको हीट करने पर, किसको हीट करने पर, ये बेकिंग सोडा को हीट करने पर ये मिलता है। इसकी नेक्स्ट वीडियो यानी जब भी कोई आगे वीडियो आएगी, हम इसको बनाने की प्रोसेस भी इसको बताएंगे। जो आगे हमारा लेमन को हम सब जानते हैं कि जो हमारा खट्टा होता है, काफ़ी शोर होता है, एसओ या शोर होता है। तो पीएच इंडिकेटर में जो उसका वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 2 होती है, 2 या 2 से लेस देन होती है। और उसके अंदर एसिड कौन सा होता है, सिट्रिक एसिड होता है। तो फ्रेंड्स, ये सारी बातें भी आपको एक्सपेरिमेंट करने के साथ साथ सारी बातें पता भी होनी चाहिए, ताकि आपको साइंटिफिक टर्म्स में ज़्यादा नॉलेज हो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।